मॉर्निंग गाइस। तो हमारे डेजर्ट फॉर्मेशन की बात चल रही थी, जिस वजह से हमने नेचुरल डेजर्ट फॉर्मेशन चालू कर दिया था, या हम कहें डेजर्टिजेशन हमने स्टार्ट कर दिया था। और हमने इसमें हमारे पीडियोलॉजिकल और टोपोग्राफिकल जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में देख लिया था। नेक्स्ट हमारा आता है क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो अगर हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स की बात करें तो इनमें हमारे वाइंड स्पीड, वाइंड पैटर्न, प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, लाइट, सॉइल इरोजन, वाटर लॉगिंग, इन सबको क्या है हम इंक्लूड करते हैं। क्योंकि आप देखिए हमारे जो डेजर्ट इकोसिस्टम है उसमें हम एडवर्स कंडीशन ही देखने को मिलती है, और इन सब की कारण ही क्या है डेजर्ट फॉर्मेशन इंड्यूस होता है। क्योंकि देखिए हमारे डेजर्ट में टेम्परेचर बहुत हाई होता है, टेम्परेचर हाई होगा तो ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ेगी, इवेपोरेशन रेट बढ़ेगी तो पानी की कमी हो जाएगी। वहीं हम कहें कि डेजर्ट इकोसिस्टम में उनकी पोजीशन ऐसी कॉन्टिनेंटल पोजीशन ऐसी होती है कि उन पर जो लाइट है वो डायरेक्ट गिरती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई होना है। वाइंड स्पीड या वाइंड पैटर्न की बात करें तो वाइंड स्पीड आप जानते हैं मील्स में होती है, और इतनी स्पीड के कारण क्या है हमारे सॉइल इरोजन की जो प्रॉब्लम है वो आती है, मतलब मिट्टी के कटाव की प्रॉब्लम, और इसी के कारण सैंड ड्यून्स का या रेत के टीलों का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड हम बात करें तो प्रेसिपिटेशन, तो डेजर्ट इकोसिस्टम में प्रेसिपिटेशन 0 से 25 सेंटीमीटर तक के बीच में होती है, जो कि बहुत कम होती है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। वहीं अगर हम देखें तो सॉइल की फर्टिलिटी, या हम कहें सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी इतनी अच्छी नहीं होती, और जो उनकी वाटर ड्रेनेज कैपेसिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। क्योंकि देखिए जब प्रेसिपिटेशन या बरसात कम होती है तो हम तो उसको क्या है ड्रेनेज सिस्टम की इतनी ज़रूरत होती नहीं है, तो क्या धीरे धीरे करके सॉइल का ड्रेनेज सिस्टम ओवर होता जाता है। लेकिन कई बार जब डेजर्ट फ्लड की कंडीशन आ जाती है तो सॉइल की ड्रेनेज कैपेसिटी या ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा होने की ना होने के कारण क्या है वाटर लॉगिंग की जो हमारी प्रॉब्लम है वो आ जाती है। तो ये है हमारे कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर जो क्या है डेजर्ट फॉर्मेशन को इंड्यूस करते हैं। इसके बाद अगर हम छोटे फैक्टर की बात करें तो हमारे आते हैं बायोटिक फैक्टर्स। तो अगर हम बायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो इसमें हम ऑर्गेनिज्म को, लिविंग बीइंग को, हम प्लांट्स को इंक्लूड करते हैं। क्योंकि देखिए हमने जो अभी तीनों जो पहले हमने फैक्टर्स पढ़े थे, जिसमें से हमने टोपोग्राफिकल देखा, हमने पीडियोलॉजिकल देखा, हमने क्लाइमेटिक देखा, ये तीनों क्या है एबायोटिक फैक्टर्स, जो कि क्या है हमारे डेजर्ट फॉर्मेशन को इंड्यूस कर रहे हैं। जो हमारा चौथा फैक्टर है वो बायोटिक फैक्टर्स, जिसमें हम लिविंग बींग्स को इंक्लूड कर रहे हैं। हम देखिए लिविंग बींग्स अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड रहते हैं। अब वो उन नेचुरल और नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, लेकिन जब उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जब वो एक्सेस क्वांटिटी में जब वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करने लगते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज की क्या है कमी होने लगती है, और धीरे धीरे उनकी इतनी कमी हो जाती है कि वो विलुप्त हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो क्या है ऐसे ही जो हमारे बायोटिक फैक्टर्स है वो क्या है डेजर्ट फॉर्मेशन को इंड्यूस करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लें तो हमारे लिविंग बींग की मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, फूड, वाटर, शेल्टर, और हम बात करें तो फ्यूल, क्योंकि अब फ्यूल भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और या फिर हम बात करें ग्रेसिंग, या हम कहें ओवर ग्रेसिंग, क्योंकि ग्रेसिंग यानी चरवाही एक हद तक हो तो वो क्या है प्लांट स्पीशीज के लिए अच्छी होती है, लेकिन जब ओवर ग्रेसिंग हद से ज़्यादा ग्रेसिंग होने लग जाती है तो क्या है पूरी की पूरी प्लांट स्पीशीज या प्लांट कम्युनिटी या हम कहें पर्टिकुलर एरिया की प्लांट स्पीशीज को ख़त्म कर देती है, जिससे क्या होता है धीरे धीरे करके वो जो एरिया है वो डेजर्ट में कन्वर्ट होने लगता है। और यही फूड, फॉडर, शेल्टर और फ्यूल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज का हद से ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं। तो क्या होगा ऐसे डेजर्ट का जो फॉर्मेशन है वो बढ़ने लगेगा। तो ये तो हुई बात हमारे नेचुरल तरीके से डेजर्ट फॉर्मेशन की। अब जो हमारा सेकेंड पॉइंट है डेजर्टिफिकेशन, तो
हम अगर डेजर्टिफिकेशन की बात करें तो अगर ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण अगर हमारे डेजर्ट का फॉर्मेशन इंड्यूस हो रहा है तो उसे हम कहेंगे डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, डेजर्ट का फॉर्मेशन अगर ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण बढ़ रहा है, हम कहें इंड्यूस हो रहा है, तो उसे हम डेजर्टिफिकेशन कहेंगे। अब देखिए, हमने जब बायोटिक फैक्टर बढ़ा था तो हमने ऑल ऑर्गेनिज्म की बात की थी, जिसमें से हमने प्लांट्स भी लिए थे, हमने हमारे ग्रेजिंग एनिमल्स भी लिए थे, हमने वाइल्ड एनिमल्स भी लिए थे, ह्यूमन्स को भी लिया था। लेकिन यहाँ पर्टिकुलर हम ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ की बात करें, ठीक है। तो देखिए, अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण डेजर्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम डेजर्टिफिकेशन करेंगे। अगर अब देखिए, ऐसी कौन कौन सी डेजर्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जिसके कारण क्या है, डेजर्ट का फॉर्मेशन इंड्यूस होता है। तो अगर हम इसमें लें तो हमारी जो पहली एक्टिविटी कर रही है, तो भी ओवर पॉपुलेशन, या हम कहें पॉपुलेशन बूस्ट। क्योंकि अभी आप जानते हैं, अगर हमारे इंडिया की बात करें तो 120 करोड़ कुछ है हमारी, क्या है, देश की पॉपुलेशन है। और वो भी हम बात करें तो भी 2010 की जनगणना है उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन अब जो हम 10-11 की थी, लेकिन अब जो हमारी अब जो 2021 वाली जनगणना आएगी उसमें 120 की जगह 220 ना हो जाए करोड़, तो वो वाली बात है। तो इतनी अगर पॉपुलेशन होगी तो इतनी पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट्स को, बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए क्या है, वो जो फॉरेस्ट एरिया है, ग्रासलैंड एरिया, उनको क्लीन करते जाते हैं। और वहाँ पर क्या है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं, और फॉरेस्ट रीजन को हटा के एग्रीकल्चर रीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे क्या है, वो धीरे धीरे करके जो ग्रीनरीज एरिया है उनको हटाते जा रहे हैं, और वहाँ पर क्या है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बिल्डिंग्स खड़ी किए जा रहे हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एफिनिटीज बनाए जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ऐसे डेजर्ट एरिया बढ़ता जाएगा क्योंकि फॉरेस्ट कम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम सेकेंड की बात करें तो अब जहाँ पर इंसान है उसको काम धंधा भी चाहिए होता है, तो क्या है, और वो अपनी कॉलोनी भी बनाता है। तो हमारा सेकेंड पॉइंट वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और अब देखिए शहरीकरण और उद्योगिकीकरण। अब देखिए, इंसान है काम तो करेगा, काम करने के लिए इंडस्ट्रीज बनाएगा, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए और शहर बनाने के लिए वो क्या है, अब जंगल के एरिया को साफ करेगा, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड एरिया को क्लीन करेगा। अगर हम पहले की बात करें तो इंडिया में काफ़ी ग्रीनरीज थी, लेकिन अब की बात करें तो 33% से भी कम पार्ट पर ही, इंडिया के 33% से ही कम पार्ट पर ग्रीनरी बाकी है, या हम कहें फॉरेस्ट वगैरह बाकी है। तो क्या है, धीरे धीरे पॉपुलेशन बूस्ट हो रहा है, तो उसे क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और शहरीकरण या अपने सिटीज बनाने के चक्कर में क्या है, वो लगातार फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है, डेजर्ट एरिया भी बढ़ रहा है क्योंकि ग्रीनरी कम हो रही है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो हमारे इरीगेशन, तो हमारे इरीगेशन, आप देखिए सबसे पहले हम रेन पर डिपेंड करते थे, ठीक है, रेन पर डिपेंड करते थे हमारे इरीगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। लेकिन अब क्या है, हमने डैम्स बना लिए हैं और इरीगेशन के लिए बेरिश मशीनरी आ गई है, बूंद बूंद सिंचाई योजना टाइप कुछ है ना, फव्वारा सिंचाई योजना, ऐसे बहुत सारी आ गई है। तो देखिए, जब ओवर कोई भी चीज़ हो, अगर वो ओवर होगी, हद से ज़्यादा होगी, तो वो नुकसान ही देती है, चाहे वो ओवर इरीगेशन हो, चाहे वो ओवर हमारा क्या है, वाटर की लेक हो, वो नुकसान ही देती है। तो देखिए, इरिगेशन पैटर्न चेंज होने की वजह से क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल में सॉल्ट क्वांटिटी, मिनरल क्वांटिटी, ये सब क्या है, डिसबैलेंस होती जाती है। तो अगर ये ओवर इरिगेशन होता है तो क्या है, जो सॉइल में प्रेजेंट जो मिनरल्स हैं, जो हमारे सॉल्ट्स हैं, वो क्या है, बहकर निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इम्बैलेंस हो जाती है। जब फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो क्या है,
सॉइल धीरे धीरे क्या है इनफर्टाइल होने लग जाएगी, उसका उपजाऊपन खत्म हो जाएगा, और जब मिट्टी में उपजाऊपन ही नहीं रहेगा तो पौधे उगने की तो बात ही नहीं आती। तो क्या है, ऐसे डेजर्ट बढ़ता है। सेकेंड हम बात करें तो अब इस टाइम में पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में, हमारे कृषि में, हमारी खेती में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो रहा है, हमारे पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा है, हमारे फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का यूज़ बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, हमारे मिट्टी में ये क्या है डीपली चले गए हैं, और जब इनकी एक्सेस अमाउंट हो जाती है तो क्या है टॉक्सिक बनाने लगता है। ठीक है, मिट्टी में सॉइल में टॉक्सिक बनाने लगते हैं, वो टॉक्सिक क्या करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को कम करते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी, सॉइल में टॉक्सिक एलिमेंट बढ़ जाएंगे तो डेजर्ट फॉर्मेशन इंड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट की हम बात करें तो न्यूक्लियर एक्सप्लोशन, आप जानते हैं वेल हमारी पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स है तो हमारे 5 स्टेट आते हैं इंडिया के, पंजाब, हरियाणा, यूपी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ये जो 5 स्टेट हैं ये 50% से भी ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। मतलब अगर हमारे इंडिया में 100% यूज़ हो रहा है फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, तो 50% से भी ज़्यादा यूज़ क्या है इन 5 स्टेट्स में हो जाएगा, जिसमें हमारे कौन है पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा और यूपी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो वह हमारा था न्यूक्लियर एक्सप्लोशन। तो आप सब जानते हैं इस टाइम अगर हम बात करें तो सबसे भारी भरकम और खतरनाक हथियार कौन सा, हमारा न्यूक्लियर पावर है, और अधिकतर हर देश के पास उसका अपना न्यूक्लियर स्टॉक है, या हम करें न्यूक्लियर वेपन्स है। ठीक है, तो अब इन न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए क्या करते हैं, जब इनका टेस्ट होता है तो क्या है इनसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रेडिएशन निकलती है। तो क्या है वो रेडिएशन, वो एनर्जी अच्छे खासे फर्टाइल जो हमारा लैंड है उसको इनफर्टाइल कर देता है और डेजर्ट में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे जितना भी न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट होता है, टेस्टिंग होती है, वो हमारे जैसलमेर में होती है, क्योंकि जैसलमेर का ज़्यादातर एरिया क्या है डेजर्टिक है, और वहाँ पर ना तो हम बात करें कोई भी टाइप का ना तो ऑर्गेनिज्म मिलता है, ना फ्लोरा मिलती है, ना फ्यूना मिलती है। इसलिए क्या है जितना भी न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग होती है हमारे जैसलमेर में होती है। ठीक है, और इसके अलावा आपने जापान में न्यूक्लियर हमले के बारे में सुना होगा कि वहाँ पर आज भी रेडिएशन मौजूद है और आने वाली पॉपुलेशन को नुकसान देती है। सेम वही बात है, वो डेजर्ट में कन्वर्ट कर देती है, अभी नहीं वो आगे आने वाले टाइम पर भी क्या है नुकसान देती रहती है। तो ये हुए हमारे कुछ ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ जो डेजर्ट फॉर्मेशन को इंड्यूस करती है। इसके बाद में हम बात करें तो हमारे देखिए हमने डेजर्ट के करेक्टर्स पढ़ लिए हैं, डेजर्ट किन कारण से बनता है वो फैक्टर्स पढ़ लिए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो डेजर्ट की भौतिकी आता है, डेजर्ट की फिजियोग्राफी आता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट देख चलते हैं, फिजियोग्राफी ऑफ डेजर्ट, या हम कहें डेजर्ट की भौतिकी, या हम कहें कि पोजीशन के बारे में बात करेंगे, उसके फिजिकल एलिमेंट्स के बारे में बात करें। तो आप सब जानते हैं डेजर्ट में एडवर्स कंडीशन है, और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हमारा डेजर्ट इकोसिस्टम और दुनिया के 8 मेजर बायोम्स में से एक है। अब बात आई यहाँ 8 मेजर बायोम्स की, तो इसमें हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आते हैं, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट आते हैं, इसके अलावा टेम्परेट रीजन के फॉरेस्ट भी आते हैं। टेम्परेट रीजन के फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट एक ही होते हैं। ठीक है, रेन फॉरेस्ट आ गए हमारे, सब ट्रॉपिकल आ गए, डेसिडियस फॉरेस्ट आ गए, इसके अलावा हमारे सवाना ग्रासलैंड्स आ गए, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आ गए, और हमारे टुंड्रा आ गया, डेजर्ट आ गया। तो ये क्या है 8 मेजर बायोम में से हमारा डेजर्ट बायोम है वो एक मेजर बायोम है, जो कि क्या है अदर जो 7 बायोम्स हैं उनसे हर करेक्टर में डिफरेंस शो करता है, और कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस शो करता है। क्योंकि क्या है डेजर्ट इकोसिस्टम में ईच एंड एवरीथिंग क्या है एडवर्स कंडीशन पे डिपेंड है। ठीक है, डेजर्ट में आप चाहे वाइंड पैटर्न ले लीजिए, प्रेसिपिटेशन ले लीजिए, या हम कहें सॉइल फर्टिलिटी ले लीजिए, सॉइल फैक्टर, पीडोलॉजिकल फैक्टर, ट्रोपोग्राफिकल फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ये हर फैक्टर्स में क्या है, इसमें क्या है हर एडवर्स कंडीशन ही मिलती है हमें। प्रेसिपिटेशन कम होता है, वाइंड वेलोसिटी इतनी हाई होती है कि और ह्यूमिडिटी भी बहुत कम होती है। इसके अलावा हम बात करें तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होना, क्लाइमेट की बात करें तो ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट होना, तो ये क्या है इसमें बस एडवर्स कंडीशन ही मिलती है। प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, और हम बात करें दिन और रात के टेम्परेचर में तो बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। वहीं प्रेसिपिटेशन क्या होती है 0 से 25 सेंटीमीटर, जो कि क्या है बहुत कम होती है। तो
क्या है, ये हमारी इसकी फिजियोग्राफी ऑफ डेजर्ट में इंक्लूडेड होती है। तो अगर हम फिजियोग्राफी ऑफ डेजर्ट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्लाइमेट का, क्लाइमेट, ठीक है। तो क्लाइमेट की हम बात कर रहे हैं तो डेजर्ट इकोसिस्टम में क्लाइमेट क्या है, ड्राई और हॉट टाइप का होता है क्योंकि प्रेसिपिटेशन हो नहीं रही है। कॉन्टिनेंटल लोकेशन देखें इसकी तो सन रेज डायरेक्ट गिरती है जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत हाई होता है और जो ह्यूमिडिटी की मात्रा वो बहुत कम होती है, हवा में नमी की मात्रा वो कम होती है जिसके कारण यहाँ पर हॉट और ड्राई क्लाइमेट होती है। हॉट और ड्राई क्लाइमेट मिलने के कारण ये क्या है, ये एडवर्स कंडीशन आ गई है। हॉट और ड्राई क्लाइमेट तो प्रेसिपिटेशन कम है, हॉट और ड्राई क्लाइमेट है तो ये हो गई थी क्लाइमेट की बात। ऊपर से इनकी कॉन्टिनेंटल पोजिशन इस टाइप की होती है कि इनमें लाइट है वो सीधे ही डलती है, ठीक है। और इनकी जो वाइंड वेलोसिटी है वो बहुत हाई होती है, 17.1 मील्स पर आवर की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट लेके चले तो आता है हमारा इसका फ्लोरा एंड फ्यूना का। तो अगर हम फ्लोरा एंड फ्यूना यानी हम कहें वनस्पति और जंतु, तो अगर देखिए एडवर्स कंडीशन रहती है दिन और रात के टेम्परेचर में, आप क्लाइमेट में ऐड कर लीजिएगा टेम्परेचर दिन और रात के टेम्परेचर में, डेजर्टिक एरिया में डे टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर में लगभग, ठीक है, अप्रॉक्स 22 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस मिलता है, ठीक है। डेजर्टिक एरिया में डे टेम्परेचर और नाइट टेम्परेचर के बीच में 22 डिग्री सेल्सियस का अप्रॉक्स अंतर मिलता है, डिफरेंस मिलता है। अब देखिए इतना अंतर मिलता है तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट है जो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी प्लांट हो, उसके लिए एडवर्स कंडीशन बनाती है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम फ्यूना की बात करें, ठीक है, हम जंतुओं की बात करें तो उल्लू मिल जाएंगे, ओवल, रैट, लिजर्ड्स, स्नेक्स, एंटीलॉप्स, ठीक है, और नीलगाय, इस टाइप के मतलब हम कहें कि फ्यूना मिलती है जो कि क्या है, दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने के कारण ये जितने भी हमारे जो फ्यूना मिल रही है वो दिन के टाइम में अपने बॉरोज में, अपने बिल्स में रहते हैं, रात के टाइम में निकलते हैं और अपनी जितनी भी डेली एक्टिविटीज़ है वो रात के टाइम में ही कम्प्लीट करते हैं। वहीं अगर हम फ्लोरा की बात करें तो आप देखिए इतनी एडवर्स कंडीशन होने के कारण क्या है, यहाँ के जो फ्लोरा है या वनस्पति है उसमें हम ज़्यादातर सक्यूलेंट्स प्लांट्स देखते हैं या थोर्नी प्लांट्स देखते हैं, ठीक है, जिसमें से हम कैक्टस को, एलोवेरा को, यूफोर्बिया को और हमारे कैपरिस प्लांट्स को और कैरिस को, एकेशिया स्पीसीज को और इन सबको क्या है, हम जिजिपस को, इन सबको इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि ये क्या है, इनमें सूट सिस्टम से ज़्यादा रूट सिस्टम ज़्यादा वेल डेवलप होता है, ज़्यादा लंबा होता है ताकि वो क्या है ग्राउंड लेवल तक पहुँच जाते हैं नीचे तक। अब देखिए डेजर्ट इकोसिस्टम में अप्रॉक्स जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है उसको औसत बोलते हैं, ठीक है, ये अप्रॉक्स हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है या हम कहें वांछित टाइप का है, ये हमारा ग्राउंड वाटर लेवल या हम कहें इसको एक पर्टिकुलर नाम हम दे सकते हैं ऑसिस, यानी हमारे जो अप्रॉक्स वाटर लेवल, हम इसको एक नाम दे सकते हैं, ठीक है, ऑसिस, ये है हमारे ग्राउंड वाटर लेवल का अप्रॉक्स है जिसको हम ऑसिस नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इन प्लांट्स में रूट सिस्टम से ज़्यादा रूट सिस्टम यानी जो हमारी जड़ें हैं वो ज़्यादा वेल डेवलप होता है, काफ़ी लंबी होती है ताकि ये उस ग्राउंड लेवल तक, ग्राउंड वाटर लेवल तक पहुँच जाती हैं और ये अपने जो वाटर स्टोर की कैपेसिटी मिलती है जिससे उस एडवर्स कंडीशन में जिंदा रह पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। इसके बाद तो ये होगी हमारी फिजियोग्राफी की बात, अब हम बात करते हैं जियोग्राफी की बात, ठीक है। तो अगर हम जियोग्राफी की बात करें तो देखिए जियोग्राफी में हम उसकी जियोलॉजिकल कंडीशन कैसी है, वहाँ पर कैसी मिट्टी मिल रही है, कैसी हम कहें सॉइल टेक्सचर है या माउंटेन एरिया है या हम कहें कोस्टल डेजर्ट है या हम सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है,
कोस्टल डेजर्ट है या हम कहें टुंड्रा डेजर्ट है, तो ये जैसे भी इसकी पोजीशन है, सॉइल टेक्सचर है, उसकी जियोग्राफिकल जैसे भी पोजीशन है, उसको हम क्या करते हैं, इसमें इंक्लूड करते हैं। तो अगर हम डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट को हम चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा कोल्ड डेजर्ट आ गया, हमारा आ गया कोस्टल एरिया डेजर्ट हो गया, हमारे सब ट्रॉपिकल डेजर्ट हो गया, तो वह हमारी बात हो रही थी डेजर्ट के टाइप पर। तो हम डेजर्ट के टाइप की बात करें तो हमारे चार बेसिक डेजर्ट होते हैं, जिसमें से हम कोस्टल एरिया डेजर्ट, हमारे टुंड्रा डेजर्ट की बात कर सकते हैं, हमारे सब ट्रॉपिकल एरिया की डेजर्ट बात कर सकते हैं और ट्रॉपिकल एरिया की डेजर्ट की बात कर सकते हैं। अब देखिए हमारे जो सहारा डेजर्ट है हमारा, इसके अलावा हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया में जो डेजर्ट मिलते हैं वो क्या है, ट्रॉपिकल एरिया के डेजर्ट है। इसके बाद हम अगर बात करें तो हमारा थार है, ठीक है, इस और हमारे जो यूरोप के कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं वो अलग सब ट्रॉपिकल में आ जाते हैं, और हमारे जो पोलर एरिया डेजर्ट हैं वो हमारे टुंड्रा डेजर्ट में आ जाते हैं, और हमारे जो कोस्टल एरिया में, जैसे हम एग्जांपल लें हमारे कालाहारी डेजर्ट और अटकमान डेजर्ट, ये क्या है, हमारे कोस्टल एरिया के डेजर्ट। तो देखिए चार टाइप के डेजर्ट है, तो इनकी हम बात करें इनकी जियोग्राफिकल कंडीशन भी है वो भी अलग अलग होगी। देखिए या तो हमारे सॉइल के टेक्सचर की बात करें तो उसमें हम सैंडी सॉइल्स ले सकते हैं, हमारे ग्रेवल्स मिल सकते हैं, कोरस कंपोजिशन हो सकता है, या फिर हमारे थोड़ा सा माउंटेन्स वगैरह के इलाके के आसपास हैं या माउंटेनिंग एरिया में हैं तो हमारी क्या है, उसमें हमारे रॉक्स वगैरह मिल सकती है। तो इसको हम क्या है, वहाँ पर कैसी उनकी जियोग्राफिकल पोजिशन है या हम कहें वहाँ पर कैसी सॉइल टेक्सचर है, इसको हम क्या करते हैं, हम जियोग्राफी में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें हम ले सकते हैं हमारे वाटर टेबल को, क्योंकि आप जानते हैं डेजर्टिक इकोसिस्टम में हमारे क्या वाटर स्ट्रेस की कंडीशन मिलती है, तो वाटर स्ट्रेस की कंडीशन मिलने के कारण क्या है, हमारा जो वाटर टेबल है, हम कहें ग्राउंड वाटर लेवल है, वो काफ़ी नीचे चला जाता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, औसत नाम दे रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर नाम है हमारे डेजर्ट इकोसिस्टम में जो वाटर टेबल है उसको हम औसत नाम दे रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेजर्ट से रिलेटेड। तो क्लासिफिकेशन में हमने भी बात की कि हमने डेजर्ट को चार पार्ट में डिवाइड किया, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टुंड्रा एंड हमारे कोस्टल एरिया डेजर्ट। तो देखिए हमारे हमारे टेम्परेचर के बेसिस पर, प्रेसिपिटेशन के बेसिस पर, और हम बात करें कॉन्टिनेंटल पोजिशन, तो क्या है, हम इनके बेसिस पर हमने क्या है चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। इन चार पार्ट की हम बात करें तो हमारे सब ट्रॉपिकल, ये हमारे चार टाइप के डेजर्ट होते हैं। तो ये हमारे मेजर चार टाइप के डेजर्ट हो गए, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, कोस्टल और टुंड्रा। टुंड्रा में हम आर्कटिक, अंटार्कटिक को इंक्लूड करते हैं, इसके अलावा जो हमारे हाई एल्टीट्यूड में मिलते हैं उनको इंक्लूड करते हैं, जैसे हमारे सियाचिन वाटर। लद्दाख है उसको क्या है, हम टुंड्रा डेजर्ट में या हम ठंडे टाइप के डेजर्ट में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद में हम कोस्टल डेजर्ट की बात करें तो हमारा अटकमान डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट क्या हमारे कोस्टल एरिया डेजर्ट की बात करते हैं, क्योंकि ये क्या है हमारे समुद्र के लेवल के बहुत पास में है, लेकिन इनमें सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण वेजिटेशन कवरिंग नहीं होती है। सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल डेजर्ट में हम इंक्लूड करते हैं हमारे सहारा डेजर्ट, हमारे थार डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ग्रेट बेसिन डेजर्ट, ये सब क्या है हमारे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया के डेजर्ट। तो अब इनमें प्रेसिपिटेशन के बेसिस पर, इनके टेम्परेचर के बेसिस पर, इनकी कॉन्टिनेंटल पोजीशन या महाद्वीप भी है, इनकी स्थिति के बेसिस पर हम क्या है इनको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट हमारा हम अपने टुंड्रा डेजर्ट को लेके चलते हैं, टुंड्रा डेजर्ट को जो हमारे बेसिकली 77 एल्टीट्यूड से लेकर हमारे 99 एल्टीट्यूड के बीच में मिलते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर मिलते हैं। इसमें हम ये हमारी
भूमध्य रेखा या इक्वेटोरियल लाइन है, इसके 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा, नीचे की ओर मकर रेखा। तो एक तो ये हमारे पोलर रीजन्स है, इसको हम क्या करते हैं टुंड्रा डेजर्ट में इंक्लूड करते हैं, या फिर हम ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन के या हम सब ट्रॉपिकल रीजन के कुछ उन पार्ट्स को इंक्लूड करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर मिलते हैं, उन सबको क्या है हम टुंड्रा डेजर्ट या हम कहें ठंडे डेजर्ट में इंक्लूड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है, बेसिकली एल्पाइन जोन है, तो इनमें हम बात करें तो फ्लोरा की बात करें तो हमारे मॉस मिलेंगे, फर्न्स मिलेंगे, और अगर हम बात करें हमारे फ्लोरा की तो कुछ एक फ्रॉग की हमारी स्पीसीज मिल जाती है, ठीक है। तो इनमें क्या है टेम्परेचर बहुत कम रहता है, प्रेसिपिटेशन की बात करें तो टेम्परेचर कम होने के कारण जो रेनफॉलिंग है वो स्नोफॉल के रूप में होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर और भी ज़्यादा हो जाता है, और ये मोस्टली साल के पूरे साल भर क्या है बर्फ से कवर रहते हैं, आइस कवरिंग रहती है, तो सॉइल इनफर्टाइल टाइप की हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है या हम कहें कि साल भर अगर हम कोई भी लैंड है वो आइस से कवर रहता है तो प्लांट की रूट सिस्टम पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, उसे फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से यहाँ पर वेजिटेशन कवरिंग बहुत कम होती है, टेम्परेचर भी बहुत कम होता है, माइनस में चलता है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर कितना होगा, तो हमारे यहाँ पर हॉट मेंटोस में हम बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, बाकी सब में माइनस में रहता है। तो ये क्या है जैसे जैसे इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, प्रेसिपिटेशन हम बात करें तो स्नोफॉल के रूप में हो रही है, टेम्परेचर बहुत कम मिल रहा है, और वाइंड वेलोसिटी की बात करें तो वो बर्फीली हवाएं चलती जो कि क्या है टेम्परेचर को और भी कम करने में मदद करती है।